अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो न केवल अच्छी किताबें और कविताएं पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, बल्कि बहुत अच्छी वोकेबलरी भी होनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो रिसर्च आपके लिए है। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या डिज़ाइनिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो कलर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। नमस्कार, मैं मीता रैना अपने चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर रंग कुछ कहता है इस सीरीज़ में मैं लगातार इन दिनों अपने वीडियोस डाल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम कलर्स को अच्छे से जानें, समझें और फिर उन्हें उपयोग में लें। ये जो सीरीज़ हैं जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से बात कही थी कंट्रास्ट कलर्स के बारे में, जो कलर व्हील में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं या आमने सामने होते हैं, इनके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है और वो है कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द ही ऐसा है जिससे मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। कॉन्ट्रास्ट से ज़रूर ऐसा लगता है कि बहुत विपरीत में है या विरोध में है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेकर आता है। कलर्स जो हैं हमें एक बहुत ही खूबसूरत मैनेजमेंट का एक रूल देते हैं कि हमारे लिए आइडेंटिटी बिल्कुल अलग अलग स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाले लोग भी एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हुए रह सकते हैं, उसी तरह से जैसे दो स्ट्रॉन्ग कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्राइमरी कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू, उनसे मिलकर के बने सेकेंडरी कलर्स ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल, और फिर जब इन दोनों कलर्स को वापस मिलाया गया तो हमारे पास में टर्शरी कलर्स आए। ये सारे हमने कलर व्हील में डाले और जानते हैं ये कलर व्हील जिसके बारे में मैं बार बार बोलती हूँ और आप लोग कहेंगे कि हमने स्कूल के ज़माने में बनाया था, बार बार वापस उस कलर व्हील की क्या बात करना। सबसे पहले 17th सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने इन कलर व्हील को बनाया था, जब उन्होंने कलर्स को उनके स्पेक्ट्रम के आधार पर एक सर्कुलर सेगमेंट के अंदर बना के डाला था। इसी कलर व्हील को बनाना और उसको समझना हर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं उन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की जो इस कलर व्हील में एक दूसरे के सामने हैं। स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे रेड और ग्रीन, जैसे येलो और पर्पल, जैसे ब्लू और ऑरेंज। और एक और चीज़, जब भी आप इन कलर्स को यूज़ करें तो ऐसा नहीं है कि हमें 50% एक कलर को लेना है, 50% दूसरे कलर को लेना है। यहाँ पर आपको जो मैंने डिज़ाइन प्रिंसिपल की सीरीज़ में कहा था, बैलेंस का भी बहुत ध्यान में रखना है। इन रंगों को एक दूसरे के साथ में बैलेंस करके ही यूज़ करेंगे। हो सकता है आपको बैलेंस करने के लिए किसी एक रंग का न्यूट्रल कलर का सहारा लेना पड़े, या हो सकता है कि आप इनको थोड़ा टोन डाउन भी करके इनको बैलेंस कर सकें एक दूसरे के साथ में। एक और चीज़, डिज़ाइन प्रिंसिपल में मैंने ये भी कहा था कि हमें रिपीटेशन करना चाहिए, और मैं तो इसको बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। मैं कोई भी कलर है उसको अकेला नहीं छोड़ती, चाहे हम एसेसरीज़ में लाएँ, चाहे हम फर्निशिंग में लाएँ, किसी भी रूप में लाएँ, लेकिन मैं उन कलर को रिपीटेशन यानी रिपीट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि रिपीट करने से ही रिदम आता है हमारी डिज़ाइन में। तो साथ में ये भी मत भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल के हर एक पहलू को हर समय यूज़ करना ही है, तभी आपके डिज़ाइन में वो खूबसूरती आएगी, वो रिदम आएगा, उसको देखने के बाद ही तो हमें तारीफ मिलेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में जो हमारे कलर्स हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन कलर्स को जब आप यूज़ करेंगे और इनको एक दूसरे के साथ में देखेंगे, जानेंगे, कभी हो सकता है गलती भी करें लेकिन फिर सीखेंगे भी उन्हीं गलतियों से। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी इस दिवाली में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा, रंगों का ऐसा मिलन होगा जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ होगा, और उसके लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। हर रंग कुछ कहता है कि इस सीरीज़ में आगे भी हम इसी तरह के रंगों के बारे में छोटी छोटी बातें करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इनको अच्छे से जान और समझ सकें। उम्मीद करूंगी आप सबके लिए ये दिन बहुत अच्छा बीता होगा। आगे आने वाले दिनों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।